गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर अकाउंट्स क्लासेस. ओके, टुडे वी आर अगेन गोइंग टू डील विद द फ्यू मोर टॉपिक्स ऑन जर्नल. ओके, तो हम अभी देख रहे थे स्पेशल ट्रांजैक्शंस. हमने बहुत सारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस देख रखी हैं एंड एक दो कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो बच गए हैं वो आज के वीडियो में हम लोग एंड करेंगे. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चंस एंड आंसर स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग दिस चैप्टर. ओके, तो सबसे पहला है लॉस बाय थेफ्ट और फायर. ठीक है, कभी कभी हमारा जो सामान है, गुड्स है, उसमें अचानक से आग लग जाती है या फिर उसको उसकी चोरी हो जाती है, तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री कर रहे हैं. अगर हमारे जो सामान है, गुड्स है, उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम लोग क्या अपने अकाउंट्स में कैसे उसको ट्रीट करेंगे. लॉस बाय थेफ्ट और फायर. ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी फिगर ले लेते हैं. तो जनरली आपको पता है कि हम आज के ज़माने में हम अपने गुड्स को इंश्योर्ड करा लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं उसके ऊपर. तो हमारे जो भी लॉस होता है या फिर जितने भी की गुड्स में फायर लग जाती है, सब हमें इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम पे हमें उतना जो अमाउंट है वो वापस कर देती है. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी गुड्स कॉस्टिंग. सो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 were stolen by theft, या फिर बोल सकते हो destroyed by fire and insurance company accepted only 50% of the total claim. ओके, तो यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है कि हमारा गुड्स कितने का था, सामान कितने की है, 20,000 की है. ठीक है, और इस 20,000 में क्या हुआ, या तो इसको चोर आकर के चोरी करके ले गया, ठीक है, या फिर यहाँ पे आग लग गई और ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास. ओके, तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई हमारे गुड्स के साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया और हमारा जो गुड्स है वो पूरा इतना डिस्ट्रॉय हो गया, 20,000 का गुड्स पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. ओके, तो अब इंश्योरेंस कंपनी आती है इंस्पेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्ट करती है और कहती है ठीक है आपका जो भी डिस्ट्रॉय हुआ होगा, बट हम आपको कितना क्लेम आपका देंगे, 50% आपको हम पैसा इसका देंगे. इसका 50% कितना होता है, हमें 10,000 हमें मिल रहा है एंड जो 10,000 का हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है. ठीक है, अब इसको हम लोग अकाउंटिंग एंट्री में कैसे ट्रीट करेंगे, ऐसे करेंगे. देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखेंगे जितना हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, कितना दे रही है, 10,000 दे रही है, कितना दे रही है. ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखेंगे हमारा लॉस कितना हुआ है. हम जितने भी प्रॉफिट या फिर जो भी लॉस होता है उसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. पीएनएल अकाउंट डीआर कितनी है, कितनी की लॉस हो रही है, अगेन 10,000 की लॉस हो रही है. टू परचेजेस, जब भी हम लोग गुड्स से रिलेटेड कोई भी एंट्री करते हैं तो परचेजेस लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है, सो वी विल राइट हियर परचेजेस. सो दिस वॉज माई फर्स्ट केस. अब दूसरा केस यहाँ पे है. ओके, दूसरा यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडिचर या फिर इंस्टॉलेशन
ऑफ मशीनरी या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, मान लो हमने एक मशीन खरीदा, हमने एक मशीन की तरह दिखना चाहिए, ठीक है, हमने एक मशीन खरीदा, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज मशीनरी, बी क्वाइट। हमने एक मशीन खरीदा एंड इस मशीन को हमें फैक्ट्री तक लेके आना है, तो हो सकता है हम कोई ट्रक में लेकर के आएंगे, ओके, हम कोई कहाँ लेकर के आएंगे, किसी ट्रक में लेकर के आएंगे, ओके, यहाँ तक। तो यहाँ जो खर्चा आएगा इस ट्रक से मशीन को यहाँ तक लेके आने में, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी। या फिर कोई और भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, आप इंस्टॉलेशन का एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप एसी खरीदते हो तो देखना कि कोई ना कोई मैकेनिक आता होगा आपके घर में इंस्टॉल करने, एसी इंस्टॉल करने, या फिर आप आज के ज़माने में टीवी खरीदते हो तो वॉल हैंगिंग के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिक्स आते हैं। तो अगर आप उसको मनी, ऐसे तो कंपनी की तरफ से फ्री होते हैं, बट आप इमेजिन करो कि आप उसको पैसे दे रहे हो, तो वो खर्चा भी क्या होगा, मशीन के साथ ही आपको लिखना पड़ेगा। देन अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये सारे जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, सो इन दिस वे वी विल ट्रीट। यहाँ पे असेट्स लिखा है, यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर लिख लीजिए, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग लिख लीजिए, असेट्स मैंने लिखा है, आपको क्वेश्चन में जो भी असेट्स दी होगी आप उसकी वैल्यू लिखोगे। ऑल राइट, अब हम आप भी करेंगे थोड़ा सा क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज, हम जब हमारा जब ईयर एंड होता है, साल जब ख़त्म होता है, ठीक है, ईयर एंड, ईयर जब एंड होता है तो हम बहुत सारी क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लोजिंग एंट्रीज। तो पहला कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको कैसे क्लोज करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओके, इसको कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कि हमने किसी सपोज मैंने गाड़ी पे ट्रैवल कर लिया बट उसका टिकट नहीं दिया, मतलब मैंने उसका बेनिफिट तो ले लिया है बट मैंने उसका एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया है, दिस एक्सपेंसेस आर कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैं ऐसे लिखूंगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस दिया है, यहाँ पे एक्सपेंसेस की जगह में हो सकता है आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो, मतलब एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकता है, ओके। थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब हमने अभी गाड़ी में ट्रेवल भी नहीं किया और पहले से ही टिकट का पैसा दे दिया, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके, हमने पहले से ही पैसा दे चुके हैं और हमने अभी तक उसका बेनिफिट ही नहीं लिया है, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस में हो सकता है प्रीपेड सैलरी हो जाए, प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाए, प्रीपेड रेंट हो, मतलब नेम कैन चेंज, ओके। देन फोर इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, मैंने क्या बताया था, मान लो आपने एक कार खरीदा, ठीक है, और मात्र 6 मंथ्स के बाद इसको 5 लाख में खरीदा था आपने कार, और 6 मंथ्स बाद भी इसको बेचने जाओगे ना तो आपको 5 लाख नहीं मिलेगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, एंड द वैल्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं, द
fall in the value of assets is called depreciation. It's called depreciation. इसको हमारा depreciation क्या होता है? Loss होता है. तो loss को हम क्या करते हैं? Debit करते हैं. Okay? What we will do? Depreciation account DR to assets. जो भी assets का आपको उसका नाम दिया रहेगा, उसको आप यहाँ पे लिख दोगे. Okay? Then the next entry is fifth. Accrued interest. ठीक है, accrued interest का मतलब होता है हमने interest earn तो कर लिया but अभी तक हमें receive नहीं हुआ है. ओके, income earned but not received. हमने income तो earn कर लिया but अभी तक receive नहीं किया है उसको, तो उसको हम यहाँ पे करेंगे. मान लो इंटरेस्ट की जगह में यहाँ पे कमीशन भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, सैलरीज भी हो सकती है, एनीथिंग. ओके, बस अक्रूड वर्ड होगा तो आप समझ जाना कि उसके साथ करना क्या है. अक्रूड इनकम अकाउंट डीआर टू इनकम अकाउंट. देन द सिक्स्थ इज income received in advance. Sixth is income received in advance. हमने क्या करा, income receive किया advance में. ठीक है, जब भी हम income receive करते हैं advance में वो हमारा liability होता है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं unearned income. Okay? तो ये हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. और डेबिट क्या करेंगे, इनकम इनकम अकाउंट डीआर टू इनकम रर्नड इन एडवांस. देन सेवेंथ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका मतलब ये होता है कि जब आपने शुरुआत में बिजनेस शुरू किया था तो आपने एक कैपिटल दिया था बिजनेस को कि लीजिए हमारे तरफ से आपको 10 लाख रुपए पूंजी, इससे अपना कैपिटल अपना बिजनेस स्टार्ट करिए. तो आपको अब उस तो वो जो पूंजी लगाया था आपने उसमें आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. तो हम उसकी एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, एंड द लास्ट एंट्री दैट वी आर गोइंग टू डील इट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जो आपने पैसा निकाला था बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस बोलेगी मैंने तो आपको पैसा निकाला, आपको मिला था, दिया था पर्सनल यूज के लिए, आप क्या करो उस पर हमें इंटरेस्ट दो. ओके, तो इसकी हम एंट्री क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ओके, ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. नरेशन सारे में होंगे. ओके, एंड अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे होगा, ये होगा वो होगा, सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड आंसर. ओके, टिल देन कीप लर्निंग, रिवाइज ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट टिल नाउ एंड मेक द कॉपी वर्क एटलीस्ट कंप्लीट. ओके, सो कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू.